उत्तराखंड एसटीएफ ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और इस नशा तस्कर के पास से एसटीएफ को 207 ग्राम स्पेक बरामद हुई है। यह नशा तस्कर अपने ससुर आनंद कुमार जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं उनके साथ मिलकर नशा तस्करी करते थे और देहरादून में लाकर इस स्मैक को बेचा करता था। तस्कर के बारे में एक और बात सामने आ रही है कि जो तस्कर है वो स्मैक की जो तस्करी करता था उसकी कमाई से अपनी शादी की पार्टी करने वाला था, लेकिन ये रायवाला पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है जिसके पास से 207 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एक एनडीपीएस एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि एक कपिल देव जो रायपुर का रहने वाला है, कंडोली गांव का रहने वाला है व्यक्ति, इससे 207 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये बिजनौर इसका ससुर है जो आनंद कुमार है। तो आनंद कुमार इसको यहां तक लाया रायवाला थाना क्षेत्र में और इसने रायवाला थाना क्षेत्र में अपने ससुर से स्मैक रिसीव की है जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपए के लगभग है और उसके बाद आनंद कुमार फरार हो गया। फिर ये कपिल देव हमारी गिरफ्त में आ गया और इससे 207 ग्राम स्मैक के साथ साथ इसकी जो स्कूटी है जिससे ये कैरी करता है और बाकी लोगों को सप्लाई करता है वो भी इसमें इससे बरामद हुई है। इसमें थाना रायवाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर इसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कपिल देव का क्या है बैकग्राउंड? कपिल देव रायपुर कंडोली का रहने वाला है और इस पर पूर्व में भी 2019 में एक एनडीपीएस का जो है अभियोग पंजीकृत है और अभी ये बेल आउट है उसमें। आनंद कुमार का अभी इसमें खंगालेंगे कि क्योंकि इसके ससुराल है कपिल देव के वहां पर और आनंद कुमार जो है इसको बरेली से तौसीफ खान नामक व्यक्ति से लेकर यहां सप्लाई करवाता है कपिल देव को और कपिल देव यहां सिटी में इसको सर्कुलेट करता है, बांटता है। ऐसी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन इसमें अभी हम इसमें पता करेंगे कि इसका बाकी भी डिटेल निकालेंगे कपिल देव के द्वारा किन किन लोगों को यहाँ पर दिया जाता है और उसके साथ और भी जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो कौन है तो ये पता करेंगे। और तौसीफ खान नामक जो व्यक्ति है जो बरेली का है जो आनंद कुमार को उपलब्ध कराता है और बिजनौर से आनंद कुमार जो है देहरादून तक पहुंचाता है तो इन दोनों की भूमिका की भी हम लोग जांच करेंगे और हमने आनंद कुमार के लिए टीमें भी निकाल दी। तो 20 लाख